सिरहाने पर सर रखते ही मैं अपने अंदर से निकल आता हूँ। सारा दिन दुनियादारी और कारोबारी मुस्कुराहट, मुझे नफरत है कारोबारी मुस्कुराहट से, मगर मैं क्या करता, इंसान के आंसू कोई खरीदने को तैयार न था, लिहाजा अपनी मुस्कुराहट को ही बेचना पड़ा। मफाद के लालच में डूबा हुआ इंसान अगर दाम अच्छे मिले तो अपने खुदा को भी बेच देता है। मेरी दादी अम्मा कहा करती थीं कि जिंदगी के पीछे न भागना बेटा, ये थका देती है, निढाल कर देती है, मगर हाथ नहीं आती। जिंदगी के पीछे हलका न होना, खुदा और जिंदगी तुझे वहां मिलेंगे जहां तेरा गुमान भी ना होगा। मैं कहता, दादी अम्मा कहाँ है जिंदगी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती, खुदा भी नजर नहीं आता, खुदा जिंदगी है या जिंदगी खुदा है? दादी अम्मा मुस्कुराकर कहती हैं, अपनी उम्र से बड़ी बातें न किया कर, दिल बोझल हो जाता है, तू अपने बहन भाइयों की तरह हंसता खेलता क्यों नहीं? मैं कहता, दादी अम्मा मैं अपने बहन भाइयों के साथ हंसता खेलता हूँ, मगर मैं सोने के लिए जैसे ही सिरहाने पर सर रखता हूँ तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने आ खड़ा होता है जो मुझे सोने नहीं देता, रोने नहीं देता, चैन से जीने नहीं देता। मैं जिंदा हूं मगर मुझे जिंदगी की तलाश है। दादी अम्मा कहने लगी, खुदा और जिंदगी को कभी तलाश ना करना, ढूंढते उसको हैं जो खो जाए, खुदा भी सामने है और जिंदगी भी। मेरी आंखों में बेयकीनी और हैरत देखते हुए कहने लगी, चल मेरे साथ चल। दादी अम्मा ज्यादा चल ना सकती थी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के सहन में ले आई, क्यारी में खिले गुलाब की तरफ इशारा करके कहने लगी, ये है जिंदगी, और जिसने इस गुलाब को खिलाया है वो है खुदा, जिसने तुझे जिंदगी दी है वो खुदा है, और जिसे तू अपनी जिंदगी देगा वो खुदा है। जिंदगी ही खुदा है और खुदा ही जिंदगी है। जिंदगी दर्द नहीं दवा है, मजबूर की आंख के आंसू में खुदा है, फकीर के तवक्कुल में खुदा है, कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा है। मेरे बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगी, इसकी मुस्कुराहट में जिंदगी है, जो इसे गिरने से बचाता है वो खुदा है। महसूस कर बेटा, हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी है, खुदा ही खुदा है, तुझे किसकी तलाश है, सामने धरी नजर नहीं आती।